हेलो गाइस, मैं हूं ताहा सेख। आप देख रहे हैं टेक्नो ताहा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम का मोड लेके आया हूं। गाइस, इसमें आप लोगों को कोई भी एड देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आप कोई भी स्टोरी हो या कोई भी रील्स हो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा, 100% आप भी इस मोड को इंस्टॉल कर पाएंगे। और गाइस, अगर आप लोगों को इंस्टॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आता है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से आप मेरे प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख गई होगी। अब आप लोगों को सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम एपीके मोडी। सो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप लोगों को वेबसाइट दिख जाएगी एपीके मोडी की, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड का बटन दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। उसके बाद ऐड आएगा, ऐड को क्लोज कर देना है। फिर अगेन आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। यहाँ पे आप लोगों को तीन इंस्टाग्राम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वाला मोड है और सेकंड वाला है क्लोन मोड। मतलब अगर आप लोग क्लोन वाला डाउनलोड करेंगे तो आपका ओरिजिनल इंस्टाग्राम भी रहेगा और ये मोड वाला भी रहेगा। सो गाइस, आप लोगों से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्लोन वाला डाउनलोड करिए, क्योंकि ये बेस्ट रहेगा। आप दोनों इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लोन वाले पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, ये 46 MB में इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आप लोगों को सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। अब मैं इसको ओपन करके बता देता हूं कि इसमें स्टोरी और रील्स को कैसे डाउनलोड किया जाता है। सबसे पहले आप लोगों को इसमें कोई भी फेक आईडी से लॉगिन कर लेना है। याद रखिए कि आप लोग अपनी मेन आईडी को इसमें ना लॉगिन करिएगा, क्योंकि इससे आप सेफ रहेंगे। सो गाइस, यहां पे मैं आप लोगों को ये वाली रील्स को डाउनलोड करके दिखाता हूं। यहां पे आप लोगों को नीचे राइट साइड में 3 डॉट दिखेगा, इस पे टैप कर लेना है। उसके बाद यहां पे आप लोगों को फर्स्ट नंबर पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, इस पे टैप करेंगे आपकी रील्स डाउनलोड होने लगेगी। ये देखिए गाइस, मेरी रील्स डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को स्टोरी को डाउनलोड करके दिखाता हूं। सबसे पहले आप लोगों को जो भी स्टोरी डाउनलोड करना है उस पे टैप कर देना है। उसके बाद यहां पे आप लोगों को अपर साइड में 3 डॉट दिखेगा, इस पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे डाउनलोड का बटन दिख जाएगा, इस पे टैप करेंगे तो आपकी स्टोरी डाउनलोड हो जाएगी। और गाइस, इसमें काफी फीचर है, आप लोग वो एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। आई होप कि आप लोगों को इंस्टाग्राम का मोड एपीके मिल गया होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही अगला अपडेट है आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए।